फूल का साइज जरा देखिए। जुताई करते हैं तो आप देख लीजिए पूरा मेरा, मतलब कितना नजदीक से मैं देख रही हूँ। ठीक है, हर तरह का ख्वाहिश पूरा, शहर का लाइफस्टाइल भी और गांव का लाइफस्टाइल भी। और देखिए नीचे सो के भी आप आम खा सकते हैं। गांव में चेहरा भी कितना खिल जाता है देखिए सवेरे सवेरे है ना, है ना। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शक, आज का ये उगता हुआ सूरज का नज़ारा हम हमारे फार्म हाउस से देख रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे फार्म हाउस में आए हैं। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, ठंडा मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का जुकाम है, और आज हम लोग हमारा फार्म हाउस में आए हैं और मतलब वहाँ पर रुके हैं। यहाँ पर हम लोग अक्सर छुट्टी कटाने के लिए मतलब छुट्टी में आ जाते हैं और रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। अभी मॉर्निंग है, सुबह उठकर ही मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। देखिए शीशा का बाहर एक कितना सुंदर प्यारा सा बाड़ बिठा है। एक्चुअली यहाँ पर दो बाड़ बैठे थे और आकर शीशे के डोर में नॉक 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 कर रहे हैं, तो उस आवाज़ से ही हमारा नींद खुल गया और एक बाड़ उड़ गया है और एक बैठा है। कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से हमारा फैक्ट्री से बेतनोटी इधर जो गया है रोड, ये 5 किलोमीटर को दूरी पर पड़ता है, और लेफ्ट साइड में जो गांव है हमारा, मेरी सासू माँ का जो ससुराल है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर को दूरी पर पड़ता है, और बीच में पड़ता है हमारा फैक्ट्री जो हमारा सीमेंट ब्रिक्स का फैक्ट्री है, और यहाँ पर पेपर कप भी मशीन है, तो वो पेपर कप भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो ये है हमारा फैक्ट्री। गांव में मेरे बड़े जेठ जी रहते हैं और बेतनोटी में इनका मेरे हस्बैंड का जो तीनों भाई है उनका वहां पर घर है। तो 25 साल से ये लोग वहां पर बेतनोटी पे सेटल है, तो मेरा ससुराल बेतनोटी पे है। तो गेट से अंदर आते ही, फैक्ट्री के अंदर आते ही, लेफ्ट तरफ का जो नज़ारा शेड के नीचे है, वहां पर जो सीमेंट ब्रिक्स बनता है उसका मशीन और पेपर कप मशीन के लिए उधर रूम है, तो वो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड का नज़ारा है, राइट साइड का नज़ारा ये है, यहाँ पर सीमेंट ब्रिक्स जो है स्टोर किया गया है, और जो दूर दिख रहा है एक छोटा सा घर है, वो हमारा यहाँ पर एक फार्म हाउस घर है, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपका पूरा अपना प्लांट घुमाऊँगी आपको, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और अभी एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलिए अभी प्लांट। जो छोटा सा घर है, ये 3 बेडरूम और किचन और एक हॉल है, इस तरह का ये रूम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर प्लांट पर आते हैं, तो ये भी इसके अंदर रेस्ट वगैरह करते हैं। और ये जो साइड में है लेटिन बाथरूम है, और ये पीछे की तरफ और एक रास्ता है, इधर एक द्वार भी है, इधर से भी आप आ सकते हैं। और लेटिन बाथरूम का पीछे भी एक रूम है जो यहाँ पर देखभाल करते हैं वो लोग, एक हस्बैंड वाइफ वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना के टाइम से वो लोग सवेरे आते हैं शाम को चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और यहाँ पर कुछ किचन गार्डन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, छोटा वाला प्याज लहसुन धनिया पत्ता गाजर, ये सब बहुत सारे किचन वेराइटीज़ का किचन गार्डन यहाँ पर लगाया जाता है। हर साल बहुत सारा लगाया जाता है, लेकिन उस हिसाब से इस बार थोड़ा कम लगाया गया है। मेरे हस्बैंड पहले एयरफोर्स में जॉब करते थे, अभी 7 साल हो गया, हम लोग एयरफोर्स सर्विस से रिटायर लेकर यहाँ पर बालेश्वर में आकर मैं रह रहे हैं, हम दोनों रह रहे हैं। और हमारा जो सीमेंट ब्रिक्स का प्लांट है वो बेतनोटी के 3 किलोमीटर दूरी पर बाघमरा एक जगह है वहाँ पर है। तो ये है वही प्लांट, यहाँ पर वो आते हैं रेगुलर। और ये देखिए कितने सारे फ्रूट्स का पेड़ भी यहाँ पर है, ये चीकू का पेड़ है, कितना सुंदर चीकू आया है। टोटल ये जगह 2 एकड़ ज़मीन पर है, या तो हिंदी में उसको 2 बीघा बोलते हैं शायद, मुझे पता नहीं है, तो 2 एकड़ ज़मीन पर ये प्लांट बनाया गया है, तो काफ़ी बड़ा जगह है। और यहाँ पर एक साइड में प्लांट है और दूसरे साइड में इस तरह बहुत सारे फ्रूट्स का पेड़, किचन गार्डन, ये सब लगा किया गया है। ये साइड में आप देख सकते हैं एक एक पिलर उठाकर उसके बीच में इस तरह का वायर दिया गया है, और इस तरह से यहाँ पर बाउंड्री किया गया है, आधा इस तरह से बाउंड्री किया गया है और आधा जो सीमेंट ब्रिक्स से बनाया जाता है उस तरह का बाउंड्री बनाया गया है। ये सब धनिया पत्ता साग पालक
और ये सब मैंगो का ट्री आप देख सकते हैं कितना सुंदर, बहुत सारे मैंगो का ट्री है यहाँ पर, 10 मैंगो का ट्री है। ये मैंगो जो है बहुत मीठा होता है और 3-4 साल से ये इस पेड़ पर मैंगो आ रहा है, क्योंकि ये सब कलमी वाला मैंगो ट्री है, इसका मैंगो जो है बहुत मीठा होता है। और बहुत सारा कच्चा केला का पेड़ भी है यहाँ पर, हम लोग बहुत काफ़ी सारा यहाँ पर जो भी होता है बहुत सारा चीज़ें बाँटते रहते हैं। देखिए आप लोग छोटा छोटा कितना अच्छा अच्छा मैंगो आने शुरू हो गया है। तो कच्चा केला पहले बहुत आता था, इतना मतलब महीने में ज़रूर 2-3 मतलब कच्चा केला का जो हम लोग कांधी बोलते हैं उसको वो आता था, तो अभी थोड़ा कम हो गया है। फनी वगैरह में बहुत सारा पेड़ गिर जाता है। और ये हमारा अपना इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर है, और ये रहे ये सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री का मालिक। और ये इस साइड में एक रास्ता है, इस हमारा जो रूम है वहाँ से निकलने के लिए। और ये जो रूम दिख रहा है इसी रूम में अंकल आंटी रहते हैं, या जो भी इस यहाँ पर रहते हैं इसी रूम में रहते हैं, इस पूरा जो हमारा गार्डन है उसको देखभाल करने के लिए। एक मिट्टी का चूल्हा है और पीछे की तरफ पूरा धान है। ये देखिए ये एक साइड में पूरा जो पीछे की तरफ है ये एक साइड है, और एक साइड ये है। ये पपैया का पेड़ में पपैया आया है, फोटो में छोटा छोटा दिख रहा है, एक एक पपैया 2 किलो के आसपास है। पहले काफ़ी सारा पपैया होता था, बहुत सारे पपैया का पेड़ था, हम लोग बोरी में पपैया भर के लोगों को बांटते थे, जो भी आता था बोरी में ही पपैया लेके जाता था। लेकिन अभी इतना पपैया का पेड़ नहीं है, फनी में गिर गया है और कुछ पेड़ पुराना हो गया है। अभी इस बार फिर से पपैया का पेड़ लगाया जाएगा बहुत सारा। और यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर में ईंट लोड किया जा रहा है, कहीं जाएगा, ऑर्डर है तो वहाँ पर जाएगा। तो चलिए अभी फैक्ट्री की तरफ, वहाँ पर दिखाती हूँ। फ्रेश ईंट निकलता है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है, जो सूख जाता है वो दूर में स्टोर किया जाता है। तो ये सब जो पीढ़ा दिख रहा है इसके ऊपर ईंट को स्टोर किया जाता है, लकड़ी का पीढ़ा होता है, नीचे इसके ईंट के नीचे रखते हैं फिर इसके ऊपर स्टोर किया जाता है। और ये है उसका मशीन जहाँ पर ब्रिक्स बनता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ये शूटिंग कर रही हूँ और अभी वर्कर्स नहीं आए थे, इस वजह से सिर्फ मशीन का ही वीडियो आप लोग को दिखा रही हूँ, नहीं तो कैसे सीमेंट ब्रिक्स बनता है वो भी आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखा देती। और ये जो दरवाजा रहा है इसके अंदर भी एक मशीन है जहाँ पेपर का प्रोडक्शन होता है, और इसके अंदर कई सारा रूम है, वहाँ पर लेबर रख रहते भी है। और यहाँ पर यह है चूना जो ईट के लिए यूज होता है, तो इधर भी चलिए देखते हैं। ये काफ़ी सारा ये बालू है जो कि स्टोर किया जाता है, और ये बहुत सारा बोरी जो चूना का पैकेट आता है वो बोरी निकलता है, यूज होने के बाद वो बोरी यहाँ पर लोग जिनको ज़रूरत होता है वो लोग ले लेते हैं। ये उसी रूम का एक दरवाज़ा इस तरफ भी है, क्योंकि पेपर कप इसी रूम के अंदर बनता है और दरवाज़ा खुला रहता है ताकि हवा आना जाना रहेगा। और ये साइड भी आप देख सकते हैं, जहाँ तक बाउंड्री दिख रहा है वहाँ तक हमारा फैक्ट्री का ज़मीन है। यहाँ पर सांड स्टोर किया जाता है ईट बनाना के लिए, और ये एक अमरूद का पेड़ है। और ये वाला साइड में जो ब्रिक्स का बाउंड्री बनाया गया है, तो जहाँ तक बाउंड्री दिख रहा है वहाँ तक हमारा है। और ये एक घर भी बन रहा है, ये 2 मंजिला का एक घर बनाने के लिए हम लोग ने प्लान देके उसको बना रहे हैं, लेकिन आधा घर बनने के बाद में इसको अभी हम लोग ने इसको स्टॉप कर दिया है, अभी कुछ और प्लानिंग है, इस वजह से इस घर को अभी नहीं बनाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का ये है, इतना बड़ा ज़मीन है तो पूरा ज़मीन को सीमेंट ब्रिक्स से बाउंड्री बनाना थोड़ा अभी मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग ने आधा आधा बनाया है। ये पूरा पीछे की तरफ आधा बन चुका है और एक साइड में पूरा बन गया है, और बाकी जो है उसको हमने पिलर उठा के जो वायर है उसको बीच में डाल डाल के उस तरह का बाउंड्री बनाए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा जो धान का खेत है वो सब है। अभी ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है वो पहले रोड से नीचे कम से कम 5 फीट मतलब नीचे गहरा था, इतना ज़्यादा नीचे गहरा था, फिर उसको हम लोग ने 5 साल से इसके अंदर मिट्टी भर भर के अभी उसको पूरा अच्छे से लेबलिंग कर दिए हैं। तो अभी जाकर ये नज़ारा इस तरह का है, ज़्यादा पुराना मतलब फैक्ट्री नहीं है, 5 साल से ही हमारा फैक्ट्री है। तो इस तरह सा छोटा मोटा कारोबार है हम लोगों का। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक दे दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिए फैक्ट्री आपको कैसा लग रहा है।
जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं मैं मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर ज़रूर निकलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा फ्रेश एयर है और मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा ही कुछ नया रहा है यहाँ पर। साइमन आज हम लोग के साथ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो आते समय बेतनोटी में जो मेरे ससुराल है वहाँ पर रुक गया है अपनी भाई बहन के साथ, तो वो वहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर हैं। और ये देखिए हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए अभी निकले हैं। मेरा मायके भी शहर में है और ससुराल भी शहर पर बेतनोटी में है, तो इस वजह से गांव में कभी हम लोग को रहने का मौका नहीं मिला था और गांव का जो नज़ारा है उसे उपयोग करने के लिए हमको कभी मौका नहीं मिला था। जब से हमारा ये प्लांट है यहाँ पर 5-6 साल से हमारा ये सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री किया गया है और इसके अंदर मैंने रूम बनवाया था, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंटर के सीजन में गेंदा का फूल और गर्मी के टाइम पर यहाँ पर रजनीगंधा का फूल आता है, तो वो पेड़ भी लगाया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। उसका स्मेल शाम के समय पर रजनीगंधा का बहुत ही अच्छा आता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल जाने का इच्छा नहीं होता है, क्योंकि साइमन बालेश्वर में पढ़ाई करता है, इस वजह से हम लोग को बालेश्वर बैक करना पड़ता है, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरी जान बसती है। टमाटो का भरता मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। पूरा गांव का लोकेशन है और चूल्हा और एक एक लकड़ी डाल के हर तरह का ख्वाहिश पूरा, शहर का लाइफस्टाइल भी और गांव का लाइफस्टाइल भी, मज़ा ज़्यादा इसमें है, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत ही एंजॉय। ये पूरा गार्डन से आ गया है भाई, और एक हमारा खेती है बैंगन और टमाटो का, वहाँ से आया है, हमारा यहाँ का गार्डन से नहीं है। देखिए इतना अच्छा बैंगन है, इसको भी इतना जल नहीं रहा है, जलाने के लिए हेल्प करेंगे, चूल्हा जला देंगे तो फिर मैं यहाँ पर वो बैंगन वहाँ भूनूंगी चूल्हे पर। पूरा दोनों आज दोनों मिलकर आज यहाँ पर होगा। ईंट भी आ रहा है, ईंट से क्या होगा? अच्छा अच्छा, फिर जाकर जलेगा ना। ओहो, ये बड़ा मुश्किल काम है। चूल्हा में खाना पकाना आसान है, लेकिन चूल्हा जलाना वो काफी मुश्किल है। अगर चूल्हा जलेगा तो भी ना खाना पकेगा इसमें। मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ, एक मौसी यहाँ पर रहते थे पहले, वो वाला घर में, ये वाला साइड वाला घर में ये है, इस रूम में रहते हैं, तो वो चूल्हा लगा देते हैं और मैं यहाँ पर खाना वगैरह कभी कभार पका, चूल्हा भी है, मैं दिखाई हूँ वो भी खाना पकाती हूँ। तो इस बार वो मौसी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है चूल्हा जलाने में, और तो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंत सर है तो वो सब कुछ हेल्प कर देते हैं। तो चूल्हा यहाँ पर जल रहा है, देख रहे हैं ना पूरा कैसे बाहर धूप में, क्योंकि यहाँ पर हल्का हल्का ठंडा भी है, और सवेरे हम लोग जो मॉर्निंग वॉकिंग के लिए गए थे यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, मैं कुछ ओढ़ने के लिए तो लाई नहीं थी, ऐसे ही हम लोग चले गए। और अब यहाँ पर जलाएंगे बैंगन और टमाटो, और हम दोनों इसको ब्रेकफास्ट में खाएंगे, मूढ़ी खाएंगे, और सिमोन के लिए मैगी बनेगा। साइमन तो वहाँ घर पर, बेतनोटी घर पर हमारा रुक गया है अपनी भाई और बहन के साथ,
और लॉन्च होगा हमारा भाई यहाँ गांव में, मेरे एक जेठ जी हैं वहाँ पर होगा। तो फिलहाल ये वाला हम यहाँ पर बैंगन को भूनते हैं है? और पीछे का देखिए थोड़ा सा, मैं बैठी हूँ कहाँ पर, पूरा गार्डन, वहाँ पीछे फूल, प्याज लहसुन का पेड़, कच्चा केला और ये सब क्या सागवान और आकाशी है ना, आकाशी आकाशी। और गांव में चेहरा भी कितना खिल जाता है देखिए सवेरे सवेरे है ना, है ना, है ना, चेहरा क्या, चेहरा क्या, मतलब पूरा खिला खिला लगता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग जब उठते हैं तो फेस पूरा फूला फूला लगता है और यहाँ पूरा खिला खिला, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। ओहो पीछे जरा लोकेशन देख लीजिए, गार्डन में बैठकर के लिए कटिंग नहीं हुई है ये पेड़। हाँ लॉकडाउन के लिए के बाद अब कुछ ये पूरा साइज होके कटिंग होता है। और काफी सारा गुलाब का पेड़ यहाँ पर था लेकिन लॉकडाउन में मतलब सब पेड़ मर गया, को एक डेढ़ महीने तक कोई पानी नहीं दिया तो सूख गया था। काफी सारा हमारा लॉकडाउन में यहाँ पर पेड़ पौधे नष्ट हुए। और कभी फोनी आ जाता है तो कभी क्या, और एक आया था वो सब तूफान आता है तो वो सब में भी तूफान आ जाता है तो वो सब में भी बड़े बड़े पेड़, काफी सारा बड़ा बड़ा पेड़ यहाँ पर गिर जाता है। केला का पेड़ कई सारा और उसमें केला लगा हुआ रहता है, वो 10-15 केला का पेड़ इस तरह पूरा नीचे सो जाता है। ये सागवान आकाशी के पेड़ कई सारा जब तूफान आता है तो वो सब नीचे वो हो जाते हैं। तो यहाँ इसके अंदर जाएगा ऐसे ऐसे दोनों को एक साथ खेल रहा वो। ओहो हर तरफ आपको यहाँ पर खाली पेड़ पौधे दिखेंगे, चारों तरफ पूरा पेड़ पौधे और बीच में हम, इस वजह से यहाँ मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए वो, और इधर ट्रैक्टर में ब्रिक्स लोड हो रहा है, ये लोग ड्राइवर और हेल्पर यहाँ पर ब्रिक्स लोड कर रहे हैं, कहीं जाना है हमारा एक। ओहो कितने अच्छे से अब चूल्हा जलने लगा है, वाह। तो बस अब आप इधर थोड़ा सा फूल का साइज जरा देखिए, मेरा पूरा दोनों हाथ में आ जा रहा है, कितना बड़ा बड़ा फूल है। ये देखिए ये कितना बड़ा है, चीकू तोड़ लो, चीकू चीकू चलो चीकू दिखाया था, बताओ जो भी सब टमाटर है। चीकू तो बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा बड़ा था देखो। हाँ वो बहुत सारा चीकू इस बार ले गए हैं, इस बार मतलब हर साल आता है, इस बार थोड़ा खाने के लिए मिला है तो बहुत है यार, बहुत सारे है यार। हाँ दादा थोड़े बैग ला के फिर लास्ट घंटा टिका ना उठे दे, बैंगन पलट दो, बैंगन पलट दो नहीं तो वो जल जाएगा। उधर चीकू गार्डन देखते देखते करो, हो गया क्या आखिरकार, इतना मेहनत के बाद बैंगन और टमाटर हो गए। मैं तो यहाँ गार्डन में घूमूंगी, ये देखिए मेरा आगे पीछे हर जगह खाली गार्डन गार्डन गार्डन। विंटर के टाइम पर इतने सारे गेंदा का फूल लगाया गया था और बहुत सारा फूल आया था, अभी विंटर का सीजन चला गया है तो इस वजह से सारे फूल भी सूख गया है। मैंगो हर साल होता है, अभी इस साल को लेके शायद 4 साल हुआ मैंगो आया ना, इस बार को लेके चार साल हो गए, लगाने के 1 साल बाद ही मैंगो आना शुरू हो गया था, इस बार को लेके ये फोर्थ ईयर है इस। लेकिन पहले साल तोड़ दिए थे हम लोग, रखे नहीं थे उसको, 4 साल हो गया, इस बार को लेके 4 साल होगा। और जब मैंगो आएगा तब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तब जो आसपास है वो लोग खाएंगे भी। और देखिए नीचे सो के भी आप आम खा सकते हैं यहाँ पर, बस आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है पेड़ से, पूरा सो के ही सो जाइए और यहाँ पर मुंह लगा दीजिए और यहाँ से जाएगा फ्रेश धनिया का पत्ता। तोड़ लेती हूँ, नहीं मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा ना, अच्छा उसका खुशबू ना, अच्छा स्मेल, और उसके साथ ये जो मिट्टी का स्मेल अमेजिंग है। और तो मैं तो पूरा यहाँ गार्डन में ही घूमूंगी, आ जाएंगे बैंगन का भरता के लिए और क्या लेंगे, यहाँ गार्डन से दिखाती हूँ, आओ दिखाओ इधर। प्याज छोटा वाला ये भी है, अच्छा है ये जो सूखा हुआ है, बहुत मीठा है,
बहुत मीठा होता है हमारा गार्डन का प्याज। अच्छा लहसुन का पत्ता भी एक दो डालेंगे ना, तो थोड़ा सा लहसुन का पेड़ भी देख लीजिए। लहसुन का पेड़ अच्छा हुआ है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ओहो वाव, मिर्ची तोड़ते हैं, चलो मिर्ची उधर। बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं यहाँ पर। मैं पूरा सोच रहा था कि पूरा तुलसी लगा दूं पूरा किनारे पे, किनारे किनारे इस तरफ पूर्व से जो हवा आता है, इसे नॉर्थ साइड है, इस तरफ से हवा चलता है, तुलसी का हवा एनर्जी के साथ साथ आए हवा। इधर ग्रीन गैलरी पूरा जो धान का खेत है, उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा धान उगाया जाता है, तो धान का खेत जहाँ तक आंख जाएगा वहाँ तक धान का खेत है, दूर दूर तक तो सिर्फ ना ग्रीन ग्रीन और ग्रीन ही दिखेगा, तो आंख भी खिला खिला हो जाएगा। ये पेड़ जो है फनी, और ये भी गिर गया है फनी में, ये एक हाँ ये भी है, तीन चार पेड़ गिरा है, ये टूट गया है ये पेड़। ये ड्रम स्टिक का ये वाला नहीं, दूसरा ड्रम स्टिक था वो गिर गया। और ये चंपा, काफी सारे चंपा, और ये आम का पेड़ जो है उस तरफ दब गया है, तरफ हो गया, ये हो गया है। ये तुलसी का है, तुलसी है, ब्लैक तुलसी है, और वो जो येलो कलर का फूल पर्पल का है, ये पर्पल। थोड़ा थोड़ा मीन्स यहाँ पर हर वैरायटी आपको मिल जाएगा। मौसमी सिर्फ टेर में देखा साइड में है, और एक उसमें इसका पत्ता वो बड़ा हो गया, वो वाला मौसमी वाला। मौसमी हाँ, ये पीछे है इस तरह का। अच्छा वो अच्छा है। हाँ, इधर आ रहा है, ये मौसमी है ये। और इसमें फ्लावरिंग हुआ है और दो चार इसमें लगे हैं। मिर्ची को तो हो गया है बैंगन के लिए, मैं थोड़ा सूंघ लेती हूँ इसको है। सच में इतना अच्छा, चूल्हा में इतना अच्छा खुशबू आता है, मैंने कभी नहीं सूंघा था बैंगन कभी नहीं सूंघा था यार, इतना अच्छा खुशबू इसमें भी आ सकता है। ये सब रियल चीजें है, रियल खुशबू है ना। और चलिए मैं चलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ मेरे किचन में। थोड़ा सा लोग जो है इतना नहीं है क्योंकि कोई नहीं ले रहा था एक साल से, जो कभी बाहर आते हैं दो तीन दिन बाद पूरा घर सेट हो जाता है। अभी थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा साफ सफाई करवाए थे लेकिन उतना डीप क्लीन नहीं है। हालांकि अभी दो दिन रहेंगे तो इतना अभी कुकिंग करने की मुझे जरूरत नहीं है, इधर उधर खाना खाएंगे हम लोग। और तो अगले बार जब आऊंगी ज्यादा दिन के लिए तब मैं पूरा घर वर दिखाऊंगी आपको, किचन भी यहाँ अच्छे से सेटअप होके रहता है, बट नहीं है। तो ये सब है, अब मूढ़ी खाएंगे हम लोग। ये बनाना है खाने के लिए आज यहाँ पर, मिर्ची विर्ची सब आया है और बस। ये देखिए, अगर किसी ने नहीं दिखा देखे होंगे इस तरह से, वो बेल जो है क्या कहते हैं, हड़ बोलते हैं हम लोग, खेती जुदाई करते खुदाई करते जुदाई जुताई। अच्छा, चारों तरफ पेड़ लगा दिया गया है धान के पेड़, इस वजह से बीच में ट्रैक्टर नहीं आएगा, तो इस वजह से ये लोग बेल लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। ये है पपाया, दिख रहा है ना, मेरा पपाया। इधर भी खेती और इधर भी खेती, वो इधर ही वो कर रहे हैं खेती कर कर के। चा 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 ऐसे बोल रहे, चा 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 आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं मौसी भी आ गई है और यहाँ पर वो किचन को अच्छे से डीप क्लीन कर रही है। मैं वो हम लोग यहाँ आने से 7-8 दिन पहले ही उन्होंने एक बार किया था, पर फिर भी डस्ट वगैरह हो गया है और उतना अच्छे से उन्होंने डब्बा और बर्तन वगैरह जो धोए थे उसके ऊपर भी डस्ट आ गया था। तो मैं इनको बोली पूरा किचन खाली कर दो और पूरा उसको अच्छे से क्लीन करो, तो मौसी यहाँ पर सारे बर्तन और जो जितना भी कुकिंग के लिए जो डब्बा में सामान रहता है वो सब बाहर निकाल ली और उनको साफ करेगी अच्छे से, और किचन को भी पोछा लगा रही है तो अच्छे से साफ हो जाएगा। अभी हम लोग निकले हैं, जाएंगे वो मेरे जेठ जी के घर जो गांव पर है वहां पर खाने के लिए जाएंगे। मौसी इधर से देख रही है। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, जाएंगे। साइमन तो उधर है, उसके जो मेरे ससुराल जहाँ पर है बेतनोटी में, उनका हमारा घर जहाँ पर है तो वो वहाँ पर है। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे सासू माँ का जो ससुराल है, जो गांव है इनका, जो ये लोग जब छोटे थे इनका जो गांव है
वहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ पर एक मेरे बड़े जेठ जी है तो वहाँ पर हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं। और सिमोन इधर है घर पर, ये मौसी है, हम लोग सिमोन के लिए खाना लेके आ जाएंगे। और